एक इशू आ गया हुआ है, एक ट्रे का, जो ब्लैक ट्रे हम लोगों ने बनाई थी, मेरे लिए तो नो कमेंट्स वाली बात है, मुझे नहीं बात करनी इसके ऊपर, क्योंकि आई बियर योर वर्ड्स है ना। सेंटर से वो उतार दिया है, बल्कि साइड से मैंने वो उतार दिया, अभी से इस ट्रे के ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, तो ये मैं ना कम्प्लीट कर चुकी हूँ हमारी जो ब्लैक ट्रे है, इनकी जी सारी तहकीकात हम पढ़ चुके हैं। दिखाऊँ कि ये जो केक का बैटर था ना आधा यहाँ पे लिख गया हुआ है। ये है जी मेरा केक, जो कि आपको लुक इस तरह से नज़र आ रही है, और मैं ना ज़रा अब इसको कटिंग करके एक दफ़ा आप लोगों को दिखा दूँ कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, मैं बाहर आई हूँ तो ये साथ ही बच्चे मेरे साथ बाहर आ गए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी निमी एंड वेलकम बैक टू निमीज व्लॉग। तो जी, अभी का सीन क्या है कि मैं सुबह से व्लॉग नहीं कर पाई, मैं कहीं पे बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं उसके लिए व्लॉग नहीं कर पाई। एक इशू आ गया हुआ है, एक ट्रे का, जो ब्लैक ट्रे हम लोगों ने बनाई थी और एक निकान हवा हम लोगों ने बनाकर यहाँ से भेजा था, उस दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं थी की, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सीवियर वाली ख़राब थी और उस दिन बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, वेनसडे की बात है, और तब मैंने व्लॉग नहीं था किया, और उससे नेक्स्ट डे भी मैंने 4 डेज़ का गैप नैप लिया था बीच में और काम नहीं था किया। ठीक है, और तब मैंने एक पार्सल बनाकर भेजा था जो कि अभी तक मानसारा में डिलीवर नहीं हो सका, और मेरे क्लाइंट बात हुई और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उनकी आज निकाह था, ठीक हो गया, 12 को उनका निकाह था और 14 के लिए उनकी ट्रे थी या कुछ भी इस तरह का था। ठीक है, तो अभी मेरी लेपर्ड्स पे भी बात हुई है, उनसे भी बात हुई है, और मैंने क्लियर किया है, उन्होंने कहा है कि आपको कल पार्सल मिल जाएगा, बट मुझे पता नहीं क्यों ट्रस्ट नहीं हो रहा लेपर्ड्स पे, तो इसलिए मैंने अभी जो है ना मंगवाया है अगेन से कटआउट से चीज़ें, जो कि उनके नेम कटिंग हुई की ट्रे थी। निकाह उनका गुजर चुका है, मैं नहीं चाहती कि उनका इंगेजमेंट ट्रे इस तरह से स्पॉइल हो, तो मैंने ना वो अगेन से बनवाई है, अगेन पेमेंट करके, बल्कि क्लाइंट से क्यों लूँगी। वो जो पार्सल है वो लेपर्ड्स में आई थिंक फिर कोई इशू इस तरह से आया है, और मैंने अब लेपर्ड्स चेंज कर लेनी है, मैंने TCS के थ्रू भिजवाया करने हैं इंशाल्लाह, बट मेरा प्रोसेस है एक, उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो अभी जो है ना मैंने वो अगेन से कटआउट से चीज़ें बनवाई हैं, तो जैसे ही वो आती हैं तो हम अगेन से ट्रे बनवा कर और उसको हम M&P के थ्रू MTD करवाएंगे। ठीक हो गया जी, इतनी बात क्लियर हो गई है। अभी मतलब हमने वो ट्रे बनानी है अर्जेंटली, और ये बच्चे बार बार अंदर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम सबसे अंदर बैठे हुए थे और इनको हमने खाना नहीं था डाला। ठीक है, तो अभी मैं बाहर आई थी मामा को दुपट्टे देने के लिए, मामा जा रही हैं बाजार दुपट्टे लेकर, जो मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ व्लॉग्स पहले दुपट्टे बनाए थे, वो दुपट्टे अभी तक नहीं गए, बाहर धूप बहुत शदीद है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, वो दुपट्टे अभी तक नहीं गए, ये दुपट्टे पड़े हुए हैं, क्योंकि जहाँ दुपट्टे जाते हैं उनका ऑफ था मार्केट में। ठीक है जी, 2 दुपट्टे हैं, इनको मैं देती हूँ। ये जी दुपट्टे मैंने ले लिए हैं, मामा बाजार जा रही हैं मामा को देके, तो हम अपना कुछ खाने पीने का करते हैं और जैसे ही कटआउट से चीज़ें आती हैं तो ट्रे बना के अगेन सेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो है ना अगेन से मेरे पास ट्रे आ गई भी है, मेरा फेस नज़र आ रहा है, ब्लैक ट्रे है और ये नेम आया है, इसको हम लोगों ने स्प्रे करनी है, ये एक्सेसरीज आई हैं, ये डेट आई है, और ये कुछ इन सब चीज़ों को मैंने स्प्रे भी करना है। अभी मैंने फ़ैन बंद किया है क्योंकि मुझे स्प्रे करना है, और स्प्रे मैं ना नीचे रख के कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा जी। तो ये मैंने नीचे रख लिया हुआ है, और बाहर मैं जा कर नहीं सकती, धूप बहुत ज़्यादा है, तो इसको स्प्रे करके, इसको भी स्प्रे करना है। ठीक है, जो चीज़ें ब्लैक ट्रे के ऊपर गोल्डन कलर में लगनी है, होपफुली ये MTD में कल पहुँच जाएगा, क्योंकि MTD के चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, और उसमें मैं इसे भेज तो दूंगी, और जो मेरे पास रिटर्न होगा वो जाहिर सी बात है ज़ाया ही होगा। इसमें क्लाइंट्स का भी कोई इशू नहीं होता, लेपर्ड्स वालों का इशू होता है, और इसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, तो मेरे लिए तो नो कमेंट्स वाली बात है, मुझे नहीं बात करनी इसके ऊपर, क्योंकि आई बियर योर वर्ड्स, जो जो आप मुझे आकर बोलते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं होता, लेपर्ड वालों का कसूर होता है। ठीक हो गया, तो मुझे इसके ऊपर कोई कमेंट्स ही पास नहीं करने, और बस ये जो है ना हम लोग आज भेज देंगे, कोई इशू नहीं है, और 2 दिन तक बात भूल जाएगी जो कि अभी दिमाग पे सवार हुई है ना, क्योंकि आपके वर्ड्स ऐसे कुछ होते हैं जो कि दिल को बहुत बुरा फील करवाते हैं। तो आई थिंक टिशू अब नहीं मुझे मिल रहा, इसको मुझे साफ़ करना है, मैं कपड़े से कर लूँ।
तो ये ना चीज़ें जो हैं वो कलर्ड होके मतलब इस तरह से कुछ लग गई हैं। इसका मैंने ना सेंटर से वो उतार दिया है, बल्कि साइड से मैंने वो उतार दिया। अभी से इस ट्रे के ऊपर अप्लाई करेंगे। पहली ट्रे भी ऐसे ही बनी थी, और ना मैं वहाँ से ना वो ले आऊँ थोड़ा सा ना स्टैंड, तो फिर आप लोग भी देखें। अच्छा जी, तो ये मैं ना कंप्लीट कर चुकी हूँ हमारी जो ब्लैक ट्रे है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ही कह सकती हूँ मैं। बहरहाल उसके अलावा ये जो है अस्मा एंड वफा इलियास, इनका जो निकाह नामा है आज जाना है, ये ट्रे आज जानी है, बन चुकी हैं और ये पैक करती हैं आंटी आके, तो फिर इसको भेजते हैं। अच्छा जी, रूम से तो मैं बाहर आ चुकी हूँ। मेरा दिल कर रहा है केक बनाने का, और घर में आज कोई भी नहीं है। मामा डॉक्टर के पास गई हुई हैं, और बिस्मिल्लाह मामा डॉक्टर के पास नहीं है, सारा कुछ मेरे मुंह पे ही बज रहा आज। और मैं घर पे फारग हूँ जी, अकेली। ठीक हो गया जी, तो इसको ज़रा मैं ओपन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ना जो ये केक चॉकलेट समझ के, कि किचन की चॉकलेट के तौर पे यूज़ होगा, ये मैं ले आई थी केक मिक्स, प्री मिक्स जो होता है जिसको हम डाल के, तो बस हम लोगों को ना वो अंडे या दूध ही मिक्स करना होता है, ठीक है, तो ये ना केक बन जाता है। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ इसको डिटेल से पढ़ने के लिए, ठीक है, तो इसको डिटेल से पढ़ती हूँ और फिर देखती हूँ कि किस तरह से केक बनेगा। फ़ैन ऑन कर लेते हैं और इसको पढ़ने के बाद मिलती हूँ। इनकी जी सारी तहकीकात हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने कहा है कि आपने ये लेना है, ये लिखा हुआ है, एक कप आपने आधा कप पानी डालना है, आधा कप ऑयल डालना है, मक्खन है आपके पास, बटर बटर डालना है, चार अंडे डालने हैं, और इस मिक्स पैक को आपने पूरा उसके अंदर डाल देना है। ठीक हो गया जी। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं पूरे का ना बनाऊँ, तो मैं देखती हूँ कि इसका मैं क्या करूँगी। मैं दो अंडे कर दूँगी, कप और ऑयल जो है ना वो सारा सेम रहने दूँगी, और इसको आधा डाल दूँगी। ट्राई करना है ना, मैं ट्राई करने के लिए कह रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अभी मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत कम है। एक तो ऑयल जितनी डलने हैं बॉक्स पे मैंने उतने ही लिखे हैं, दो अंडे, दो आधा दूध का कप, आधा ही कप ऑयल का, जो मतलब जब भी फ्री होगा ना तो उसमें डाल दूँगी। और ये है जी जो केक मिक्स वाला पाउडर था ना, वो मैंने एक कप लिया है, ठीक है, बाकी पड़ा हुआ है। और इसके अंदर मैं दो अंडे डाल रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि दो अंडे डालूँ तो वो ठीक रहेगा। और साथ है जी बीटर, इस बाउल में आज हम इसको बीट करेंगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहले अंडे डालते हैं। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये केक मिक्स, ठीक हो गया, और फिर इसको हम करेंगे मिक्स। अभी तो हम इसको इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ पहले मिक्स कर लेते हैं ना, कि ड्राई ना हो, ठीक है। अब हम इसे और अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध, ठीक है, दूध की क्वांटिटी हम फुल ही रखेंगे। और मुझे कहीं लग रहा है कि मैंने जो है ना इसका केक का जो बैटर है ना ये बहुत कम डाला है इसके अंदर, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ना इसको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ हाफ कप ऑयल, ठीक हो गया, तो ऑयल डाल देती हूँ। ये हमने हाफ कप ऑयल डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये वाला पैकेट पूरा। ठीक है जी, तो मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है विद पेपर, और पैन नहीं है, ठीक है, मतलब आप बस, मेरे पास छोटा पैन नहीं था, मुझे छोटा पैन चाहिए था, बड़ा पैन नहीं चाहिए था। और इसके अंदर अगर मैं आपको अगेन बता दूं, स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैं एक कप और वो यूज़ करूँगी, एक कप यूज़ करूँगी उस पाउडर का, लेकिन वो पाउडर जो है उसके इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंगली उसने सारा ही डलना था, ठीक है। तो इसको जी हम लोगों ने डाल दिया था सारा, और अभी मैंने इसको स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर रही हूँ और मैं इसको पैन के अंदर शिफ्ट करने लगी हूँ, ठीक है, बिस्मिल्लाह। और मैंने जो है ना इसको
पतीले को प्री हीट करने के लिए रख दिया है, मेरे पास ओवन नहीं है। ओवन के बगैर भी आप घर में केक बना सकते हैं। मैं बताया से रही हूँ, जैसे ना मेरा चैनल केक का है, क्राफ्टिंग का नहीं, ब्लॉगिंग का नहीं, केक का है। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या करना है, इसको उठा उठा के फाइव टू सिक्स टाइम्स ऐसे करना है। जी बबल्स ख़त्म हो चुके हैं और अभी जो है ना मैंने इसको पैन के अंदर रखना है। पैन हमारा ये है उज़्ज़ुन वाला, और देखती हूँ कि इसमें से हीट जो है वो निकलने शुरू हो गई है। हाँ, आप लोगों को कैमरा में नज़र आ रही हो शायद, मुझे नहीं नज़र आ रही। ठीक है, तो इसको इसके अंदर रखती हैं ऐसे ही, आई थॉट रखूँ तो ठीक है, नहीं बल्कि इसको नीचे रखना पड़ेगा कुछ और फिर रखती हूँ। मैं ना पहले कुछ ढूंढ लूँ नीचे रखने के लिए। ये जी मुझे इसके नीचे रखने के लिए वो एक प्लेट मिल गई थी, स्टील की। स्टील का ही यूज़ करना है और कुछ यूज़ नहीं करना। और फिर वैसे मेरे पास वो भी है जो केक के लिए नीचे यूज़ करते हैं, बट उसके लिए बड़ा पैन चाहिए और हमारे पास छोटा है। तो अभी जो है ना मैं इसको कवर करने लगी हूँ, और इसे जो है ना हम लोग एक मिनट के लिए फुल फ्लेम पर इस तरह से पकाएंगे। ये मैंने कहीं पर देखा था। आंटी को ना मैं कॉल कर चुकी हूँ, अल्लाह करे अब आंटी फ़ोन उठा दें या आंटी खुद आ जाएँ। और ना मैं इस रूम में ये स्टिक लेने के लिए आई थी, केक चेक करना है मुझे। 710 पे रखा था, लेट्स चेक केक। ये जी कुछ इस कंडीशन में है फ़िलहाल, और ज़रा मैं हाथ लगा के देखूँ तो अभी इसका भरता भी नहीं बना। आंटी आई नहीं है, और पार्सल जो है ना मैंने वो खुद ही पैक कर दिया। अब मैं वहाँ लेके जा रही हूँ, अली को देती हूँ ताकि वो देकर आए और कल तक पहुँच जाए। फनीस्ट सीन आप लोगों को दिखाऊं कि ये जो केक का बैटर था ना, आधा यहाँ पे गिर गया हुआ है, और ये ना छोटा था इसके पैन के लिहाज से, मैंने ना छोटा डाल दिया था, सबसे बड़ी गलती कर दिया है। अब जो है ना मैंने अपना जो है ना ब्राउनी वाला बैटर के अंदर ही सारा डाल दिया है ताकि इसके अंदर सीख से बन जाए। पता नहीं अब बनता है कि क्या बनता है इसका, बट हमारा जो आइडिया ना वो फ्लॉप हो गया। ठीक है, आधा केक हमारा ये ज़ाया हो गया। इसको मैं देखती हूँ कि किस तरह से ठीक हो सकता है। बाकी इसको जो है ना मैं अगेन से उस पैन के अंदर रखती हूँ इसको, और फिर मिलती हूँ। अच्छा जी, तो अभी केक की कंडीशन कुछ ना क्या कह सकती हूँ मैं, फ़्लॉप तो नहीं काम हुआ है मेरा फ़िलहाल। केक की कंडीशन कुछ यूँ है, अभी ये हो रहा है राइस, इसको हो लेने देते हैं राइस, और मुझे लग रहा है कि केक ठीक बन रहा है। ठीक है जी, तो इसके अंदर ना हम लोग अपनी फ्रॉस्टिंग जो है ना वो रेडी कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारी व्हिपिंग क्रीम चाहिए हमें, और इसके अलावा हमें चाहिए आइसिंग शुगर। ठीक हो गया, और कोको पाउडर भी, तो दोनों ये हैं। ठीक है, मैं तो आप लोगों को ना इसमें रेडी करके तो दिखाती हूँ। तो आपने इस तरह चेक करना है कि आपकी ये जो स्टिक है ना ये बिल्कुल क्लीन बाहर आनी चाहिए। ठीक हो गया जी, तो मेरी क्लीन आ रही है, इट मीन्स कि गैस भी चली गई है और ये रेडी हो चुका है। अभी ना मैं इसको उठाती हूँ और इसको हम रखते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये ना मैंने इसके अंदर डाला है अभी ये जिसे कहते हैं शुगर, आइसिंग शुगर, ये वाली। ठीक हो गया जी, क्रीम बनाने के लिए यूज़ होती है, और साथ मैंने डाली है जी ये वाली व्हिपिंग क्रीम, विपी विप क्रीम कहते हैं जिसे। ठीक है, तो अभी इसे ना मैं बीट करने लगी हूँ, तो बीट करने के बाद। अच्छा जी, तो मेरा ना ये पैन जो है वो ठंडा हो चुका था, मैंने ना इसे इस जाली पे डालकर उल्टा किया है, और मैंने दो दफ़ा टैप टैप किया और ये जो है बाहर आ गया हुआ है। ठीक है, तो अभी ना इस केक को हम लोग स्लाइसेस में कटिंग करते हैं, एक ही स्लाइसेस का कटिंग होगा, और देखती हूँ कि किस तरह का इससे केक बनता है। ठीक है, और बाकी व्हिपिंग क्रीम जो है ना वो अभी इस सिचुएशन में है कि वो अभी स्टिफ नहीं हुई पूरी तरह, सिर्फ इस तरह की है, मतलब अभी बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं हुई। ठीक है, तो इसे ना 5 मिनट और लगेंगे। थी आइसिंग और साथ वीडियो बना रही थी, मैंने बड़ा मैस क्रिएट किया हुआ है। केक जो है ना वो बन चुका है, क्रीम जो है ना वो ये बच गई है। क्रीम ना थिक नहीं थी रही, काफ़ी टाइम लगा मुझे इसको ठीक करने में। और अभी फ़िलहाल ना मैं सारा मैस उठा कर ना उस रूम में लेके जा, किचन में बल्कि लेके जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद खिलार दिया था। ठीक है, अब उसको समेटने जा रही हूँ। केक फाइनल लुक सेट होने के बाद दिखाती हूँ, केक अभी सेट हो जाए।
अच्छा जी, तो मैंने मैस जो है वो किचन का भी क्लीन कर दिया था और अपने रूम का भी क्लीन कर दिया था। और अपने रूम में कर रही थी मैं शूट, और शूट नहीं थी कर रही, मैं वीडियो एडिट कर रही थी, वीडियो क्रिएट कर रही थी आइसिंग की, ठीक है, जैसे केक बनाने की होती है। अब मैं फ्रिज खोलने लगी हूँ और जो मैंने केक बनाया है वो पड़ा हुआ है, ये मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। मुझे खुद बड़ी हंसी आ रही है कि मैंने क्या बना दिया, बट शुरू में ऐसे ही बनता है। और ये वाला केक अब सबने खाना है, ना पता चल रहा है मैंने क्रीम कहाँ लगाई है और कहाँ नहीं लगाई। ठीक है जी, इसकी पहना को ज़रा कुछ तस्वीरें शस्वीरें ले लूँ, साथ में पकड़ लूँ यहाँ से नाइफ, कटिंग करके भी पिक्चर लेनी है, तो ये नहीं, ये वाली ठीक हो गया। तो जी पहली दफ़ा का केक है तो वो ऐसा ही बनता है, आप लोगों ने मुझे इस पर जज नहीं करना, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं सामने वाले रूम में, क्योंकि वहाँ पर ना लाइट चल जाती है, रिंग लाइट, और ज़रा ना अच्छा शूट हो जाता है। ये है जी मेरा केक, जो कि आपको लुक इस तरह से नज़र आ रही है, और मैं ना ज़रा अब इसको कटिंग करके एक दफ़ा आप लोगों को दिखा दूँ कि ये किस तरह का लग रहा है। ठीक हो गया, अल्लाह करे कि बेहतर ही लग रहा हो, और अल्लाह ताला मेरी इज्जत रख ले। यस, अच्छा जी, इसके अंदर की कुछ लुक यूँ है, और मैं ना इसको साइड पिक कर नहीं सकती, बस थोड़ा सा ही कर सकती हूँ। ठीक है जी, तो अब इसको टेस्ट करके घर वाले बताएंगे कि किस तरह का बना है, और मैं ना अभी इसको दोबारा अगेन से फ्रीज़र में रख दूँ, थोड़ी सी आइसिंग मेल्ट हो रही है जी। तो केक को जो ना मैंने इसमें डाल लिया है थोड़ा सा, और बाकी जो है ना मैं फ्रीज़र में रखने लगी हूँ ताकि ना बाद में खा सकें। मामा कह रही हैं कि सेट नहीं हुआ, इसको फ्रिज में ही रहने दो। और ना अभी मैं अंदर जा रही हूँ 3-4 चम्मच लेके इनको टेस्ट करवाने के लिए कि किस तरह का बना है। ठीक हो गया, तो अभी टेस्ट करवाती हूँ और फिर बताती हूँ किस तरह का किस किस को। अभी जी मैं ना व्लॉग एंड करने के लिए आई थी, बट ना मेरा जो दिमाग है ना वो दिल कर ही जा रहा था कि मैं ना जाके पहले केक खा लूँ, और केक की कुछ लुक यूँ हैं, और केक बहुत ही मज़े का है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। होपफुली कि मैं, मतलब मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों को ये बाइट खिला सकूँ। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मेरा कि मैं ना एक बार टेस्ट करके आऊँ, क्योंकि मैंने रात का खाना नहीं था खाया, सिर्फ केक बना रही थी कि मैंने केक ही खाना है, और केक जो है ना वो बहुत ही मज़े का बना। ठीक हो गया जी, तो अभी मैं ना ये लास्ट बाइट लूँ और ब्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा जी, तो केक जो है वो मैं खा चुकी हुई हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको मेरा केक अच्छा लगा होगा। बिगड़ भी गया था, जो मैंने आइडिया सोचा था वो नहीं बना, लेकिन जो फिर उसके बाद भी बना था वो बहुत अच्छा बना था। और ऐसे ही आहिस्ता 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 करते इंसान सीखता है, और ऐसे ही मैंने क्राफ्टिंग सीखी थी, स्टार्ट से मैंने कुछ नहीं था सीखा। बच्चे वो सोए हुए हैं बिल्लियों के, असल में वहाँ पर पानी गिरता रहता है, वो जगह ठंडी होती है तो वो वहाँ सो जाते हैं। तो अभी मैं ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दें नीचे आ रहा है, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।